हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स। आज की ये टैरो रीडिंग ऐसे व्यूअर्स के लिए है, दोज हु थिंक कि उनकी लाइफ कुछ स्पेसिफिक लाइफ है। दिस कैन बी लाइक पास्ट लाइफ के कर्माज आपकी लाइफ में हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपका हिसाब किताब बाकी है, आप एक ट्विन फ्लेम या सोल जर्नी में हैं। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग से लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट आप किस तरह की जर्नी में हैं, व्हाट्स योर लाइफ ऑल अबाउट, और इस जर्नी में रहते हुए व्हाट्स गोना बी योर डेस्टिनी, क्या लिखा है आपकी किस्मत में। फ्रेंड्स, टैरो रीडिंग है, सो टेक इट ओनली एज एन आइडिया। ऑल राइट फ्रेंड्स, नाउ आप अपने लिए प्रे करें, लेट्स प्रे टू टैरो कार्ड्स कि हमें आइडिया दे सके किस तरह की जर्नी में आप हैं और इस जर्नी के चलते क्या अप्स एंड डाउन्स आपको देखने हैं और What's written in your account, in your destiny? Friends, relax रहें, God को याद करें and pray for yourself. Situations और energies अगर आपको लगता है यहाँ आप ही की describe हो रही है, तब आप इस reading को as a guidance अपना समझें। All right friends, let's dive into the read. टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस फ्रेंड्स, स्पेसिफिक जर्नी है एज फार एज रिलेशनशिप इज कंसर्न्ड, किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपका सोल जर्नी हो सकता है अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स। आगे देखते हैं क्या आप किसी स्पेसिफिक जर्नी में हैं। द स्टार, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर। ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकता है, सोल जर्नी भी हो सकता है। ऑल राइट, लुक्स लाइक समबडी हैज गॉन फ्रॉम योर लाइफ। एक कार्मिक साइकिल चल रहा है जिसमें एक पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया है। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल्सो लाइक कि आपने ही इस पर्सन का साथ छोड़ दिया था या फिर इस पर्सन को आपसे दूर किया गया था, बिकॉज जिस तरह ये पर्सन जा रहे हैं, दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी, हैप्पी नहीं है, कप्स छोड़कर जा रहे हैं। इट मीन्स फ्रेंड्स, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप और आपको लगता है कि वही पर्सन आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हैं, तो यहाँ दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच एक कार्मिक साइकिल है और इस कार्मिक साइकिल के चलते एक पर्सन दूर हो गए हैं दूसरे से। वेल फ्रेंड्स, 6 और 4 मिररिंग नंबर हैं, तो ट्विन फ्लेम जर्नी का साइन है, मिररिंग नंबर है। अब ये पर्सन फ्रेंड्स वो भी हो सकते हैं जो आपसे दूर हुए हैं या जिन्हें आप चाहते हैं। लेट्स सी कौन है। फ्रेंड्स, आपके एंड से आपको लगता है कि ये पर्सन वही हैं, इट मीन्स आपके ट्विन पार्टनर या आपके सोलमेट वही हैं जो आपसे दूर हुए हैं, बट ये जो पर्सन हैं, दिस इज समवन एल्स, कोई और दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स, सब कंफ्यूजन खत्म होंगे समय के रहते और आपके जीवन में एक नई शुरुआत होनी है। फ्रेंड्स, यहाँ सिनेरियो कुछ और ही है। दिस इज़ लाइक जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है,
चाहे पर्सन वही आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हैं, बट उनसे एक्सपेक्ट नहीं करना है। सेकंड थिंग फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में जो हर्डल्स हैं, हार्डशिप हैं, इसके बीच देर इज़ समवन हु इज़ गोइंग टू अकम्पनी यू, साथ देने वाले हैं आपका। एंड फाइनली फ्रेंड्स, जब आप अपने आप को संभाल लेंगे, इट मींस बहुत क्लियर हो जाएंगे बाई माइंडसेट और ट्रूथ का साथ देने लगेंगे, देन योर बिगिनिंग विल बी देयर। फिर आप के जो कार्मिक अकाउंट्स हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ द वर्ल्ड एट ऑफ कप्स बता रहे हैं कोई कार्मिक अकाउंट है, द फूल इज़ लाइक सब कार्मिक अकाउंट्स फिनिश होंगे। फ्रेंड्स, आपको अपने एंसेस्टर्स हीलिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। फ्रेंड्स, दिस इज लाइक जब आपका यूनियन होगा इस पर्सन के साथ, आपके ट्विन पार्टनर के साथ, तो यू विल बी कंफ्यूज्ड। दो ऑप्शंस आपके पास होंगे, दो चॉइसेस आपके पास होंगे। लेट्स क्वालिफाई। फ्रेंड्स, नंबर 8, 3, 4, 6 आपके ड्राइवर नंबर या लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। अब हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, इतने हर्डल्स जो आपकी लाइफ में चल रहे हैं, इसके पीछे व्हाट्स द मिथ, व्हाट्स द मिस्ट्री। ड्रॉ टू वैल्यू। तो मे बी फ्रेंड्स, फाइनेंसेस की वजह से आपकी लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है, और यहाँ वैल्यू वर्ड लिखा हुआ है, तो दिस इज लाइक वैल्यूज़ को लेकर, मॉरल वैल्यूज़ को लेकर कुछ इश्यूज आपकी लाइफ में हो सकते हैं। डिसीट। यस फ्रेंड्स, कुछ डिसीट दिखाई दे रहा है। लगता है आप और आपके जो चहेते पर्सन हैं, जिन्हें आप अपना ट्विन समझते हैं, उन दोनों के बीच, आप दोनों के बीच देयर इज सम डिसीट, कुछ डिसीट है। और दिस डिसीट वॉज मेंट टू हैपन, होना ही था फ्रेंड्स, बिकॉज यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है दिस वॉज मेंट टू हैपन। तो जाने अनजाने में कुछ हुआ है फ्रेंड्स, तो उसे फॉरगिव करें। कॉन्ट्रैक्ट, कॉर्नोकोपिया। यस फ्रेंड्स, फ्रेंड्स दिस इज़ लाइक आपके जीवन में फ्रेंड्स एक कार्मिक साइकिल तो चल ही रहा है, जिसे अभी कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम, लाइक 12 to 13 months का समय लगने वाला है। मीन वाइल इफ़ यू आर डीलिंग विद समवन, तो इनके साथ आपका एक अकाउंट है। इस बीच अगर आप डील कर रहे हैं किसी से, तो लगता है इनके साथ आपका एक कार्मिक अकाउंट है। बट ये जो कार्मिक अकाउंट है फ्रेंड्स, यहाँ 111 है, इट मींस किंग ऑफ कप्स है, इट मींस आप अपने एक सोलमेट से भी डील करेंगे मीन वाइल। लेट सी फ्रेंड्स, ऐसे व्यूअर्स जिनकी निगाह में उनके ट्विन फ्लेम या सोलमेट ऑलरेडी हैं, बट इस वक्त उन दोनों के बीच डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो लेट्स सी आपका यूनियन क्या इसी पर्सन से होगा जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। द टेम्पल पाथ, जर्नी, एंग्जाइटी। फ्रेंड्स, यहां आंसर एकदम क्लियर नहीं हुआ है, बट दिस इज़ लाइक आप सब कुछ सरेंडर्ड करते हैं और
सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं, अपने लाइफ का एक पाथ डिसाइड करते हैं थोड़ा स्पिरिचुअल होकर, तो फ्रेंड्स जो भी किस्मत में है दैट विल हैपन। स्ट्रेटेजी तो फ्रेंड्स ओवरऑल आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ इस वक्त एक्सपेक्टेशन नहीं भी रखना है अपने यूनियन को लेकर। एंड सेकंड थिंग, इस वक्त इफ़ यू आर डीलिंग विद समवन तो टोटली ट्रूथ के साथ डील करना है फ्रेंड्स। टेंपल पाथ, स्ट्रेटेजी, कॉन्ट्रैक्ट, जर्नी, डोर टू वैल्यू, स्टार। इस रीडिंग में फ्रेंड्स जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, कैंसर साइन खास आए हैं, रिलेटेड नंबर आपको बता दिए गए हैं। फ्रेंड्स आपके लिए वर्ड्स में एक गाइडेंस लेते हैं। रीडिंग अगर आपको लगता है आपकी है तो फिर आप इस गाइडेंस को फॉलो करें। फ्रेंड्स जो भी रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन से, उनमें फिलहाल सीन ये दिखाई दे रहा है लाइक एक बंदा, आप या आपके पार्टनर, ये तो लॉन्ग टाइम से वेट कर ही रहे हैं इम्प्रूवमेंट का। ये आप भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। बट यहाँ जो दूसरे पर्सन हैं, जो आपके ट्विन पार्टनर हैं, उनके साथ इस वक्त देर इज़ समवन जो कि हार्टिली कनेक्टेड है, इसको हम क्वालिफाई कर लेते हैं, हार्टिली कनेक्टेड हैं। देखिए फ्रेंड्स इस रीडिंग में द लवर्स है, फोर ऑफ वॉन्ड्स है, टू ऑफ कप्स है, स्टार है, द फूल भी है। इट मीन्स आपकी लाइफ में अब जिन भी पीपल से आप डील कर रहे हैं दे आर लाइक योर सोल फैमिली मेंबर्स। इमोशनली हार्टिली अगर डील कर रहे हैं तो, नॉट लाइक कि हम किसी से भी बात करके उसे अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम समझें, नॉट सो। एस ऑफ कप्स, यस फ्रेंड्स, जो भी आपको इमोशनली अभी सर्व कर रहा है फ्रेंड्स, दैट पर्सन इज लाइक योर सोलमेट। पुराने रिलेशनशिप में जो इम्प्रूवमेंट का वेट कर रहे हैं, लेट्स सी जो आपके पार्टनर हैं उनकी लाइफ में व्हाट्सअप जो किसी पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं। भाई जो आपके पुराने पर्सन हैं जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनकी लाइफ में आपकी वजह से टार मोमेंट आया है, इट मीन्स फीलिंग्स आपसे हैं, बट एट प्रेजेंट दैट पर्सन इज गेटिंग सम ऑफर, थर्ड पार्टी सीन हो सकता है। हाँ खुश नहीं है वो ब्रेकअप के साथ, आपके ब्रेकअप के साथ, और अपने लिए सोच भी रहे हैं टू कनेक्ट विद समवन, बट बहुत माइनर एनर्जी है फ्रेंड्स, तो डू नॉट टेक इट सीरियसली। पर्सन बस रिकवर नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में उनके साथ जो भी डिसीट हुआ है। हाँ तो फ्रेंड्स हम ले रहे थे एडवाइस आप ऐसे व्यूअर्स के लिए जिन्हें लगता है कि वो अपने ट्विन या सोलमेट को जानते हैं। द वर्ल्ड आपके लिए आया है फ्रेंड्स एज एन एडवाइस, अ ब्रिलियंट सक्सेस, अ टाइम ऑफ जॉयफुल अकम्पलिशमेंट, सब कुछ जॉयफुली अकम्पलिश होगा फ्रेंड्स आपके लिए। ये टाइम आपके लिए बहुत ब्रिलियंट है। स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, फ्रीडम टू डू व्हाटएवर यू वांट, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, जो चाहें कर सकते हैं, अपने आप पर प्राइड फील करें, बट जो चाहें कर सकते हैं का मीनिंग फ्रेंड्स इनडिसिप्लिन नहीं है। तो फ्रेंड्स कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर इन अ ट्विन फ्लेम और सोल जर्नी, बट इसमें अप्स डाउन्स हैं फ्रेंड्स। दिस इज लाइक कार्ड्स जो आए हैं आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए, जो भी डेस्टाइंड पार्टनर हैं। यहाँ लग रहा है कि आप दोनों के बीच लाइफ में देर इज सम टाइम जब ये अपने अपने हार्ट को शेयर कर सकें किसी अच्छे पर्सन के साथ, और वैसा सीन अभी चल रहा है। हाँ जब आप अपने आप को रिकवर कर लेंगे, रिकवर लाइक आपके मूड स्विंग्स ना हो,
आप बहुत ज़्यादा हैवी या लो एनर्जीज में अपने आप को फील ना करें, जब आप अपनी लाइफ खुद से लीड कर रहे हों, देन यू विल बी गेटिंग टू चॉइसेस। तो उस टाइम पर जो भी सिलेक्शन आपका होगा, दैट इज़ योर लाइक सॉलमेट और ट्विन फ्लेम। एंजल से गाइडेंस लेते हैं फ्रेंड्स आपके लिए। ओ गॉड, आज तो रीडिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है फ्रेंड्स। लुक फॉर अ साइन, रिकंसीडर। फ्रेंड्स, जो भी ड्रीम्स आपको आ रहे हैं, जाने अनजाने में आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखें। यस फ्रेंड्स, आप ट्विन फ्लेम या सोल जर्नी में हैं, इस वक्त किसी से डील कर रहे हैं, कम्युनिकेट क्लियरली, और क्लियरली का मतलब है फ्रेंड्स वेरी ट्रूली डील करना होगा। यस का आंसर है ऑल कूल। और यहाँ सभी कार्ड्स जो आए हैं फ्रेंड्स एंजल डेक से, आप देख रहे हैं, दे आर गिविंग यू अ वेरी क्लियर कट आंसर कि यस, आप एक सोल जर्नी में हैं और रीडिंग में जो बातें बताई गई हैं दे आर ट्रू। थैंक यू, प्लीज टेक केयर।